चलो धन्यवाद दोबारा से फिर भैया, गाड़ी फंस गई हमारी। सामने देखे भैया जी जा रहे हैं बाइक पे, और बाइक पे देखो बन गए सुमो पहलवान। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज मेरा पहला ब्लॉग है मेरे न्यू चैनल पे, तो जैसे आपने मेरे और चैनल को भी प्यार दिया ऐसे भी प्यार दीजिएगा। तो आज हम जा रहे हैं संभल, और संभल किस लिए जा रहे हैं, अगर मैंने एक वर्ड बोल दिया आपको, एक शब्द मैंने बोल दिया, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं ओम पो धनाटे काटी ओम पो, तो आज हम जा रहे हैं ओम पो वाले बाबा से मिलने के लिए। तो चलिए स्टे ट्यून, रहिए मेरे साथ में और देखते हैं ओम पो वाले बाबा हमसे हमें मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि उनको बहुत लोग परेशान कर रहे हैं। मतलब हालत ये हो गई है कि वो अपने काम पे भी निकल सकते हैं, काम पे निकलते हैं तो तुरंत ही लोग भागा जाते हैं। शानदार बारिश आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बारिश, फराटे काट रही बारिश भी ओम फो। और तकरीबन हमारा जो सफर है वो सफर है 151 किलोमीटर का, ढाई घंटे बाद इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे अगर ठीक रहा मौसम, सब कुछ ठीक रहा। सामने देखे भैया जी जा रहे हैं बाइक पे, बाइक पे देखो बन गए सुमो पहलवान। क्या हाल बेटा? क्या नाम है? साकिब। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। लकड़ी किस लिए ले जा रहे हो? जलाने के लिए। जलाने के लिए। तो फाइनली दो घंटे का रेगुलर सफर करने के बाद में बहुत तेज लगी भूख भैया, हम आ गए हैं यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट है बड़ा शानदार है ये मुरादाबाद हाईवे पे, तो हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने ऑर्डर किया दाल मखनी और शाही पनीर, भैया मोगा पंजाबी ढाबे के नाम से मशहूर है, अच्छा है, देखने में तो ठीक लग रहा है, देखिए इसकी खाने की क्वालिटी क्या होती है। तो भैया फाइनली हमारी रोटी शाही पनीर और ये रही दाल मखनी, भैया फाइनली हमारी आ गई चाय, कुल्हड़ वाली चाय, वही हमारे भैया इन्होंने सर्व किया है, देखते हैं। भैया चाय बिखर गई, चाय बिखर गई भैया, बहुत तेज चाय थी, हाथ बिखर गया चाय में। तो भैया खाना हमने खा लिया है, थोड़ा सा ओवर हो गया खाना, खाने के तुरंत बाद हमने पिए चाय, अब हम हमारा सफ़र है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट संभल के लिए, अब चलते हैं संभल और जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम के लिए आपको दिखाएंगे आगे। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। होम फो है यहाँ तो सारे, देखो बच्चे भी होम फो कर रहे हैं। अरे होम फो बिल्कुल जंगल में रह रहा भाई, जंगल जंगल मिल जा रहा, पता नहीं क्या बच्चे बहुत है भैया, बच्चे देख के रहे वाओ नेचर देखो, शाहरुख खान ने शूटिंग नहीं करी थी ना, दर्शन का खेत है नेचर क्या होता। गांव वाले हैं, ये ला दो पत्थर डाल दे बेटा पत्थर। तो ये है जोया के सरदार टोन लापर भैया बड़ा, अरे हमारी जो वो पंखा बंद कर दे भैया, सर्दी में पंखा चला भी नहीं, लाइट खोल दो भैया, पंखा बंद कर दो, पानी पानी गलत पी लेंगे, गर्म पानी ला दो, एक बता ओम को धराटे काट रहा तू भी, चलो ठीक है भाई। ये हमारे अल्लाह बख्श क्या घर है, और ये गांव है जोया, जोया है जोया जोया जोया, अच्छा तो ये देखो शानदार पीसफुल एरिया, बिल्कुल एकदम बहुत शानदार। अच्छा एक इनकी एक खास बात है भैया, वो ना हरी टोपी वाले हो ना। हमारे भैया जो है वो हरी टोपी वाले, देखो सामने, लेकिन एक एक बात है, अल्लाह बख्श की बहुत दिल खुश इंसान है, हमेशा से मैंने काम किया है, ये मेरा गुरु भी रहा है, और हमने पोलियो में काम किया था, पोलियो की ड्रॉप शुरुआत हमने पोलियो की ड्रॉप पिलाने से की थी, उस वक्त हमें 800 रुपये महीने मिलते थे एज ए CMC, उसके बाद में मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बना, और एक हमारे
हमारे बॉस हुआ करते थे कश्यप, कश्यप मैं पूरा नाम तो नहीं बताऊंगा, एक नंबर का हरामी आता कुछ नहीं था लेकिन डंडा पूरा करता था। भैया कश्यप जी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ भैया, ठीक है ना। नहीं बहुत प्यार करते यार तुमसे हम, कश्यप जी बहुत प्यार करते थे, ये तो पार्ट ऑफ जोक है, मजाक की बात है, दिल में मत लेना। लेकिन अल्लाह बख्श ने बहुत हमारा साथ दिया और हमें टेक्निकल पॉइंट समझाए। और पीछे देखो पूरा ग्रीन भी पूरा नज़ारा है, बहुत बढ़िया। चले थैंक यू भाई बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू यार। तो भैया ये हो गया शापा, गाड़ी फंस गई हमारी नाली में। अरे गाड़ी फंस गई यार बख्शी भाई, नाली थोड़ी होती फंस गया इसमें, पूरा पूरा पहिया फंस गया यार। बंद कर ले, बंद बंद कर, गाड़ी बंद कर भाई। नहीं बंद नहीं भाई, आप एक बैठो फिर एक ऐसे दबा नहीं पड़ेगी, दबा देंगे दोस्त। एक मिनट रखनी पड़ेगी तो भाई, रुक जाओ एट मिनट दे दो यार, बेसी ईट ला, बेसी ईट यार, पाँच दस ईटें बेसी ले आओ यार। भाई इसकी जरूरत नहीं, इससे होने का नहीं कुछ, इससे नहीं होने का कुछ, इसको कोई फायदा नहीं है ना, आने का भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कैसे होगी, चढ़ जाएगी इस पे एकदम। वो आप स्टेयरिंग उस पे बैठो, हम दो जने उधर से दबाएंगे, एक इधर से उठ जाएगी, आप स्टेयरिंग पे बैठ जाओ। इधर से एक जना बैठ के चला गाड़ी और इधर से पहिया उठा के एक जना पीछे। आराम ना भाई, इधर आओ, इधर इधर मानी, इधर उधर लड़िया, एक जना उधर से तो बस इधर से इंसान लोग ये डाल दे बोनट, सुहेल सुहेल बोनट डाल लियो भैया, आगे भाई के ये पता ही नहीं चला इसके यहाँ पे ऊंचाई की वजह से। नहीं भैया गाड़ी फंस गई हमारी, निकल गई, चलो भैया गाड़ी निकाल लो। अच्छा घर से सदके के पैसे निकाल के निकले थे, क्या कौन सदका काम आ गया। तो भैया हमारा हो गया पेट्रोल गाड़ी का ख़त्म और हमें कौन सा शहर है भाई, फतेहपुर, फतेहपुर। तो अभी हम फतेहपुर के पेट्रोल पंप पे पहले थोड़ा सा पानी वो ले लें, पेट्रोल ले लें, एक पी है ना, एक पी यहाँ लिखवाना पड़ेगा लाल, उससे करीब पता चलेगा पेट्रोल लेंगे डीजल डाले कोई। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं संभल, और संभल और हमें पहुँचते पहुँचे यहाँ पर बज गए हैं तकरीबन 5:05 हो चुके हैं, और बस चंद ही मिनट के बाद ओम फो धनाटे काट रही है, ओम फो चलते हैं बाबा के पास में, उनकी देखते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या, उनकी ज़िंदगी थोड़ी हेल्प भी करेंगे उनकी। नहीं नहीं देखिए ये 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 कुआ है, ये दिखाया गया यहाँ पे, और ये कुआ है और कितने हजारों साल पुराना होगा। नहीं पुराना, ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रह चुकी है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बताई। ओम फो धर्राटे काट रही है। चचा क्या लायो? अरे भाई मैं तो बस ये तो वो चीज है जिसके फेमस और जिसलिए फेमस हो रहे। हाँ अब वो बहुत बहुत शुक्रिया, ये फ्रांटे वाली खिड़की हमारे हाँ। चचा ने हमें दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज सुबह से निकले थे, शाम का वक्त हो गया, रात हो गया और आज मेरा पहला व्लॉग था, थोड़ा सा लंबा हो गया भाई, अगर गलती होगी तो माफ करना। और बस चलते हैं ओम फो वाले चाचा के घर से अब सीधा दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।